नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको राग चारू के सीखे गाने के अंदर कॉर्ड्स को कैसे यूज़ करना, मैं ये सिखाऊंगा। ये टेक्निक से आप किसी भी राग के अंदर या फिर जो भी गाने किसी भी राग के अंदर आते हैं उनमें कॉर्ड्स को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं गानों के अंदर, तो वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राग चारू किसी सात स्वरों का राग है जिसमें स्वर यूज होते हैं सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, मा, पा, कोमल धा, कोमली और ता सप्तक। इस राग के अंदर एक बहुत ही प्यारा गाना आता है मोहम्मद रफ़ी साहब का, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के ऊपर आपको इस राग के जो भी कॉर्ड है वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे सा के लिए गापा सा है, और आपका रे के लिए नीरे मा है, गा के लिए पासा गा, मा के लिए धासा मा, ठीक है जी, और पा के लिए सागा पा, देन उसके बाद धा के लिए सा मा धा, नी के लिए रेमा नी, और तार सप्तक के साथ के लिए फिर से गापा सा। इन कॉर्ड्स को हम गानों में कैसे यूज करेंगे, सो जैसे कि मैं गाना यहाँ पे ले रहा हूँ बेखुदी में सनम, गाने में ये कॉर्ड्स कैसे यूज करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले मैं पहली लाइन बजा रहा हूँ, तो गाने का स्केल हमने पहली काली है, पहली काली से मैं ये गाना बजा रहा हूँ। देखिए पहली लाइन में उठा रहा हूँ गा से, तो पहली लाइन हमारी रुक रही है पा के ऊपर, तो हम यहाँ पे पा का कॉर्ड यूज करेंगे। पा का कॉर्ड है सागा पा। गाने में कॉर्ड कहाँ पे यूज होते हैं, कॉर्ड हमेशा वहाँ पे यूज होते हैं जब जहाँ पे गाने की लाइन खत्म होती है, जहाँ पे गाने की हर एक लाइन में एक अंत आता है, उस अंत को कवर करने के लिए हम कॉर्ड यूज करते हैं। जैसे कि देखिए बेखुदी में सनम जब बजा रहे हैं, तो सनम पे लाइन रुकी, तो यहाँ पे हम पा के ऊपर लाइन रुकी, तो पा का कॉर्ड है सागा पा, तो ये कॉर्ड लगा दें। फिर से देखिए उसके बाद उठ गए जो कदम, पा के ऊपर रुकी पा का कॉर्ड, उसके बाद आ गए तो लाइन नी के ऊपर रुकी, तो नी का कॉर्ड रीमा नी, नी का कॉर्ड आ गया, फिर पा के ऊपर की सागा पा, उसके बाद आ गए पा, तो सा के ऊपर की सागा, सा का कोड आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है गाने में, किसी भी गाने में कोड लगाना बहुत आसान है, लेकिन लगा तभी पाएंगे जब आपको कोड्स का पता होगा, स्वरों के कोड पता होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अंतरा, अंतरा भी आप इसी तरीके से बजाएंगे, जिस स्वर के ऊपर लाइन खत्म होगी उसी स्वर का कोड लगेगा, कोड आपके सामने है। इस तरीके से आप राग चारों के समय जितने भी गाने आते हैं, जैसे कि एक और गाना है ये तो होगा बेखुदी में सनम, एक है किसी राम है, तो इसमें भी सेम फंडा, मैं आपको ये भी बजा के दिखा दूं, तो पाके ऊपर का पाको, फिर पाके ऊपर का पाको, अभी गा के ऊपर तो गा का, रे के ऊपर का तो नहीं, रे का नहीं, रे पा, सा के ऊपर सा, सेम वही कोड है। मतलब कि एक राग आपने सीख लिया, एक राग के कोड सीख लिए, तो हजारों गाने या लाखों गाने जो भी इस राग के अंदर आते हैं उनमें सेम ही कोड यूज होंगे, कुछ अलग नहीं यूज होगा, कुछ अलग बाहर से हम कोड नहीं यूज करेंगे, वही राग के ही कोड यूज करेंगे। लेकिन आपको यूज करने का टेक्निक पता होना चाहिए और यूज करने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने बताया आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।